हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस सो स्टूडेंट्स मोबाइल कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज की वीडियो में हम देखेंगे जीएसएम के बारे में सो so पूरा जीएसएम हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे मेन मेन पॉइंट्स जो होते हैं जीएसएम के जीएसएम क्या है जीएसएम के फीचर्स कौन कौन से हैं देन जी का पूरा आर्किटेक्चर भी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सो कंप्लीट वीडियो देखने का तो आपको जी का जो टॉपिक है आपके जो एग्जाम्स के अंदर जी का टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा और एग्जाम exam, एग्जाम्स के अंदर आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो वट इज़ द जी एस एम जी एस एम इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सेलुलर नेटवर्क तो सेलुलर नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है उसी के ऊपर ऑलमोस्ट बेस्ड है जी एस एम भी ट it इन फोर डिफरेंट different रेंजेस एंड and uses अ combination ऑफ बोथ FDMA डी is a frequency based and TDMA बेस्ड एंड टी जो कि है टाइम बेस्ड मल्टीपल एक्सेस सो जो जीएसएम होता है उसमें जो सेल साइज होते हैं जीएसएम में है, चार डिफरेंट टाइप के सेल्स हम इसमें यूज करते हैं जनरली ओके सो कौन कौन सेल्स के साइज हम यूज करते हैं इसमें मैक्रो सो लेट मी राइट मैक्रो एंड माइक्रो थर्ड इज पीको एंड द फोर्थ इज़ अम्ब्रेला तो ये चार डिफरेंट साइज़ के सेल्स हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ जी एस एम नेटवर्क सो लेटेस्ट स्टडी इन ब्रीफ कि इन चारों सेल्स में होता क्या है ओके सो माइक्रो सेल्स क्या हैं बेसिकली सो दीज आर रिकॉर्डेड एज द सेल्स वे द बेस्टेशन एंटीना इज इंस्टॉल्ड सो यहाँ पर क्या है मैं सिंपल अगर लिख दूँ बेस्टेशन बी एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंटीना इज इंस्टॉल्ड कि जहाँ पे बेस स्टेशन का एंटीना इंस्टॉल होगा उसको हम बेसिकली बोलते हैं मैक्रो सेल या मैक्रो साइज सेल जैसे कि आपका एक बिल्डिंग के ऊपर होता है तक जो आपका कवरेज एरिया हो वो मैक्सिमम हो देन माइक्रो माइक्रो क्या है दीज आर दैल्स हुज एंटीना हाइट इज अंडर दूफ रूफ टॉप लेवल बेसिकली इसकी जो हाइट है एंटीना uh, की हाइट अगर आपकी थोड़ी सी कम है सो एंटीना हाइट इज़ लेस देन एवरेज रूफ लेवल तो वो कहलाएगा माइक्रो सेल देन पीको पीको जो होते हैं बहुत ही स्मॉल सेल होते हैं स्मॉल सेल्स होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है ना कवरेज का डायमीटर वो फ्यू डजन मीटर्स के अंदर ही होता है और बेसिकली जब आपको इंडोर्स की बात करनी होती है एक इंडोर आपको कुछ कम्युनिकेशन के लिए चैनल बनाना होता है तो हम वहाँ पे पीको सेल्स का यूज़ करते हैं सो आई कैन राइट डायमीटर इन फ्यू डजन मीटर्स सो बहुत ही छोटा होता है मीटर्स के अंदर ही इसका डायमीटर होता है देन अम्ब्रेला अम्ब्रेला इज़ यूज़ टू कवर दी शेडोड रीजन्स सो इट इज़ यूज़ टू कवर शेडोड रीजन जो कि किसी शेडो के अंदर आ रहे हैं उन रीजन्स को कवर करने के लिए हम अम्ब्रैला सेल साइजेस का यूज़ करते हैं ठीक है सो बेसिकली देखो शेडो का मतलब क्या है यहाँ पे शेडो का मतलब है जैसे कि अगर मैं इस तरह से कहता हूँ सपोज एक हमारा कुछ गैप आ गया है कहीं पे या फिर कोई ब्लाइंड रीजन है तो उस गैप को फिल करने के काम आता है सो दिस इज़ यूज टू फिल इन दी गैप्स बिटवीन सेल्स सो फिल इन द गैप्स बिटवीन सेल्स ओके okay, तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे मैक्रो माइक्रो पिको एंड अम्ब्रेला सो नाउ लेट अस सी दी फीचर्स ऑफ जीएसएम जीएसएम के कौन कौन से फ़ीचर्स हैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल रोमिंग को सपोर्ट करता है सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन सो इट सपोर्ट इंटरनेशनल रोमिंग आप इंडिया से बाहर जाते हो तो वहाँ पे भी आप अपने सेल फोन को यूज़ कर पा रहे हो अपनी सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे हो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस जी एस एम टेक्नोलॉजी न सेकेंड इज़ गुड वॉइस क्वालिटी जो वॉइस की क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट हुई थी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी सो गुड वॉइस क्वालिटी नैन से थर्ड इज़ दी एबिलिटी टू सपोर्ट हैंड हैंड टर्मिनल्स सो हैंड हैंड जो कि पोर्टेबल टर्मिनल्स कह सकते हो आप उनको भी ये सपोर्ट करता था सो हैंड एंड टर्मिनल सपोर्ट इज देअर न फोर्थ फीचर ऑफ जी एस एम एज लो सर्विस कॉस्ट इससे जो सर्विस की कॉस्ट थी वो कम हुई थी एंड अल्टीमेटली जो वॉइस की कॉल्स वगैरह की जो कॉस्टिंग थी वो भी कम हुई थी इसके अंदर देन आई एस डी एन थी देखो थ्योरिटिकल पॉइंट्स हैं सीधे सीधे आपको याद रखने हैं ये सो शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट्स की तरह भी आप इसको रख सकते हो कि आई एस डी एन अंदर कंपेटिबिलिटी थी एंड सपोर्ट फॉर न्यू फ़ीचर्स एंड सर्विसेज कुछ भी अगर न्यू फीचर या सर्विसेज अगर कोई मोबाइल कंपनी लॉन्च करना चाहती है तो उसका भी सपोर्ट इसके अंदर पूरा था सो न्यू फ़ीचर्स एंड सर्विसेज सपोर्ट इज़ देअर इन जी एस एम ओके सो ये तो बहुत ही बेसिक में हो गया कि जी एस एम क्या है इसके बारे में हमने थ्योरी देख ली है नो लेटर सी वट इज़ दिस नेक्स्ट स्लाइड फॉर जी एस एम एंड देट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड दैट इज़ जी एस एम आर्किटेक्चर सो so, जी का आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है वो आपको याद रखना है इम्पॉर्टेंट है अगेन क्वेश्चन कुछ भी हो जी के बारे में अगर क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का इफ क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आर्किटेक्चर ओके अब आर्किटेक्चर देखो इसका थोड़ा थोड़ा सा सेलुलर नेटवर्क की तरह ही है सो so, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास जो फ्रंट एंड है एक तरह से अगर हम इसको कहें कि फ्रंट एंड हमारे पास तो फ्रंट एंड पे क्या होता है मोबाइल सर्विसेज uh, हैं जैसे कि आपका मोबाइल है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं एम एस सो एम एस इज नथिंग बट इट इज़ योर मोबाइल स्टेशन ओके सो मोबाइल स्टेशन क्या हो गया आपका जैसे मोबाइल फोन हो गया स्मार्टफोन हो गया तो वो सब चीज़ें जो भी आएंगी वो सब इसकी फ्रंट एंड के अंदर आएंगी जिसको हम बोलते हैं मोबाइल स्टेशन ठीक है सो यू कैन राइट इट डाउन हेयर दैट इट इज़ नथिंग बट इट इज अ फ्रंट एंड जहाँ से कोई भी कॉल ओरिजिनेट होगी है ना देन ये जो है बीच की लेयर ये फ्रंट एंड है ये आपका एंड हो गया और ये जो है आपकी बीच की लेयर है इस बीच की लेयर में क्या होता है बेसिकली इस बीच की लेयर में होता है आपके पास इस पूरी लेयर को हम क्या बोलते हैं इस पूरी लेयर को हम बोलते हैं बी एस एस और बी एस एस की फुल फॉर्म क्या होती है बी एस एस की फुल फॉर्म होती है स्टेशन सब, सब बेस स्टेशन सब सिस्टम सो बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है यहाँ पे और इस बी के अंदर क्या होता है इस बी के अंदर आपके पास एक तो होते हैं बहुत सारे बी हो सकते हैं नौ बी टी एस इज बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम सो बहुत सारे बी हो सकते हैं सो लेट मी ड्र दिस के बी है एक और बी टी एंड यू कैन हैव एन नंबर ऑफ बी टी ऐसा नहीं है कि एक बी में एक ही बी होगा डिपेंडिंग ऑन द सेल साइज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट बहुत सारे बी टी यहाँ पे हो सकते हैं बट बहुत सारे बी तो हो सकते हैं बट एक जो बी होता है डेट बी वो एक ही होगा दिस बी एस सी बी एस सी एक ही होता है ठीक है सो बी एस सी एक होता है बी एस सी का मतलब क्या है स्टेशन कंट्रोलर जो इन सब बी टी एस को कंट्रोल करता है वो एक ही होता है बी एस स्टेशन कंट्रोलर तो आप इसको समझ सकते हो कि जो बी एस एस है वो किस किस से मिलके बना एक तो बी टी एस बी टी एस इज़ नथिंग बट इट इज़ योर बेस्ट ट्रांस रिसीवर सिस्टम जो कि कॉल को रिसीव करेगा कॉल को ट्रांसमिट करेगा तो बेस ट्रांस रिसीवर या बी टी एस और बहुत सारे बी टी एस हो सकते हैं बट उन सब बी टी एस को कंट्रोल करने वाला एक बेस स्टेशन कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं बी एस सी ओके सो दिस इज द मिडिल लेयर आप बोल सकते हो इसको मिडिल लेयर बोल सकते हो इसको ओके एंड दिस मोबाइल स्टेशन्स दिस मोबाइल स्टेशन आर कनेक्टेड विद दिस बीटीएस सो दिस मोबाइल स्टेशन आर कनेक्टेड विद दिस बी टी एस और हर बी टी एस किससे कनेक्टेड होगा नाउ एवरी बी टी एस इज कनेक्टेड विद दिस बेस स्टेशन कंट्रोलर तो जब कॉल ओरिजिनेट हुई कॉल कॉल आपकी ओरिजिनेट हुई इस एम एस से कॉल जाएगी बी टी एस के पास एंड देन बी टी एस से जाएगी किसके पास बेस स्टेशन कंट्रोलर जो कि है आपका बी एस सी ओके देन द थर्ड लेयर जो कि आप कह सकते हो तो एक फाइनल लेयर है जो सेलुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर में भी आपने देखा था कि आपके पास एक एम थी जो दूसरे रीजन के एमएससी से कम्युनिकेट करती थी तो यहाँ पे भी आपके पास एक यहाँ पे एमएससी है यू हैव दिस एम एस सी एम एस सी इज वॉट मोबाइल स्विचिंग सेंटर सिंपल ओके सो देर इज आ एमएससी एंड जैसे वहाँ पे एच एल आर थे वी एल आर रजिस्टर्स थे एमएससी के अंदर यहाँ पे भी एच एल आर वी एल आर रजिस्टर्स होते हैं बट एच एल आर वी एल आर रजिस्टर्स के अलावा भी यहाँ पे दो चीज़ें हम देखेंगे वो भी यहाँ पे होती हैं सो सबसे पहली बात तो यही है कि जो बी एस सीज़ हैं दिस बी एस सीज़ आर कनेक्टेड विद दिस एम एस सीज़ अब बहुत सारे बी एस सी एक एम एस सी से कनेक्ट हो सकते हैं मैनी बी एस सीज कैन बी कनेक्टेड विद सिंगल एम एस सी सो नाव सी वट इज़ प्रेजेंट इन दिस एम एस सी तो एक तो हो गया हमारे पास वट वी हैव दिस वी एल आर दैट इज विजिटर लोकेशन रजिस्टर दैन वी हैव दिस एच एल आर होम लोकेशन रजिस्टर एंड वी हैव दिस ए यू सी ओथेंटिकेशन एंड वन इज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ई आई आर ठीक है सो दिज आर देर एंड एंड दिस एम एस सी इज़ कनेक्टेड विद दिस ये एम एस सी जो है इन सब रजिस्टर्स से कनेक्टेड होती है ओके सो नाउ वी विल स्टडी वन बाई वन की किस तरह से ये रजिस्टर्स काम करते हैं क्या क्या इनके फीचर्स हैं बट उससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि जो आपका बी है वो क्या काम करता है जो बी है आपका वो क्या काम करता है तो बी क्या करता है बेसिकली कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेट करता है मेंटेन करता है किसको सारे आपके बी को कॉल्स को रूट करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ रूट करेगा ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा कंजेशन को कंट्रोल करेगा जितना भी बी के ऊपर सब कुछ हो रहा है प्रोसेस हो रहा है उन सबको कंट्रोल कौन करता है आपका बी एस सी कंट्रोल करता है okay, so जो हैं आपके एच एल आर वी एल आर एय ई आई आर तो सबसे पहले देखते हैं हम वीएलआर से वीएलआर इज नथिंग बट इट इज योर विजिटर लोकेशन रजिस्टर यू कैन राइट विजिटर लोकेशन रजिस्टर मतलब जब एक यूज़र सपोज दिल्ली से घूमता घूमता आगरा तक चला गया तो उसका जो एच था वो तो था दिल्ली में मतलब जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी सारी जो उसकी सब्सक्रिप्शन की इफॉर्मेशन थी उसका प्रोफाइल था उसकी यूजर की इन्फॉर्मेशन थी वो सब दिल्ली के रजिस्टर में थी दिल्ली के मोबाइल स्विचिंग सेंटर में थी बट अब वो चला गया आगरा अब आगरा के अंदर तो कोई उसको नहीं जानता ना कि भाई ये बंदा है क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है कौन सा सब्सक्रिप्शन का पैक है क्या चीज़ है तो वो क्या करेगा आगरा का जो वी होगा या आगरा का जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा दैट विल कोऑर्डिनेट विद स्विचिंग सेंटर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एच में से इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा और आगरा के वी के अंदर स्टोर कर देगा ओके सो बेसिकली क्या करता है वी के अंदर आपकी टेम्प्ररी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सो टेंरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वी सो इट स्टोर्स टेम्प्ररी यूजर इंफॉर्मेशन जब तक कि वो यूजर उस पर्टिकुलर विजिटर लोकेशन के अंदर है उसकी इन्फॉर्मेशन को वी अपने पास स्टोर करके रखता है एंड एज यू कैन सी दैट दिस वी एल आर इज इंटीग्रेटेड विद एम एस सी सो दिस वी एल आर इज इंटीग्रेटेड विद एम एस सी ओके नाउ द सेकेंड इज सेकेंड इज एच एल आर एच एल आर इज वॉट होम लोकेशन रजिस्टर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली के यूज़र की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली के होम लोकेशन रजिस्टर के अंदर होगी सो बेसिकली क्या करेगा इट इज़ अ परमानेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ यूज़र जो यूज़र की परमानेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है सो परमानेंट इन्फॉमेशन को स्टोर करेगा क्या क्या चीज़ें स्टोर करेगा उसका प्रोफाइल उसकी लोकेशन सब्सक्रिप्शन का पैक वो सब चीज़ें स्टोर करता है एच एल आर तो सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन भाई कौन सा पैक ले रखा है कितने दिन का पैक ले रखा है कितना डेटा ले रखा है वो सब इन्फॉर्मेशन को कौन स्टोर करता है एच अपने पास स्टोर करके रखता है देन ए अब ए यू तो देखो नाम से ही पता लग रहा है सिक्योरिटी में काम आने वाली चीज है सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑथेंटिकेशन रजिस्टर अब कोई यूजर कह रहा है कि वो वही यूज़र है कोई यूज़र कह रहा है कि ठीक है मेरा नाम अमन है तो अमन को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे ऑथेंटिकेट करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन को ये ए अपने पास रखता है ठीक है सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सिक्योर्ड डेटाबेस एक सिक्योर्ड डेटाबेस है ओके okay, और जिसमें कि एक सीक्रेट की स्टोर होती है अब ये सीक्रेट की का मतलब सिंपल है कि उस सीक्रेट की को यूज़ करके कोई भी यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकता है सो सीक्रेट की इज़ स्टोर्ड हेयर then finally we have this eir eir is nothing but it is a equipment identity register so equipment identity register equipment yani ki aapke jo mobile phone hai na uski identity ko store karta hai so equipment identity register अब equipment की आइडेंटिटी जैसे कि आपका IMEI नंबर हो गया उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर कौन करेगा आपका आई स्टोर करेगा तो एक रीजन के अंदर जितने भी वैलिड फोन हैं और इनवैलिड हैं उन सब की इंफॉर्मेशन को ये EIR अपने पास स्टोर करके रखता है ओके सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ ऑल ऑफ दिस रजिस्टर्स नाउ वी विल सी वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन एंड दैट इज द इंटरफेसिस विच आर यूज मैंने देखो यहाँ पे दो डैश लाइन लगा रखी है अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि मोबाइल स्टेशन से जब ये बी या फिर आप बी बोल सकते हो ये कम्युनिकेट करेगा तो कौन से इंटरफेस के थ्रू करता है तो ये जो इंटरफेस यूज़ होता है एट दिस पॉइंट इट इज़ कॉल्ड एज यू इंटरफेस बेसिकली एयर के द्वारा एयर एज ए मीडियम ये जो इंटरफेस है ये काम करता है तो इसमें क्या होता है जो आपका यू एम इंटरफेस है रेडियो फ्रिक्वेंसी इज़ यूज so इन दिस रेडियो फ्रिक्वेंसी इज़ used फॉर कम्युनिकेशन ओके एंड एंड जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना इसमें वो लिख लो आप that is TDMA डी एम ए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और किस लिए काम आता है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन बिट्वीन एम एस एंड बी टी एस सो ये जो एम एस और बी टी एस के बीच में जितनी भी ट्रांस मिशन हो रहा है रिसीव कर रहे हो आप इन्फॉर्मेशन वो सब किसके थ्रू हो रहा है इस यू एम इंटरफेस के थ्रू ओके देन द सेकेंड इंटरफेस इज सेकेंड इंटरफेस इज बिटवीन यूर बी टी एस एंड बी एस सी ये वाला ये वाला जो इंटरफेस है ना ये ये वाला इंटरफेस कौन सा होता है ना दिस इंटरफेस इज दिस इंटरफेस इज एबिस इंटरफेस ए बी आई एस दैट इज ए बी एस इंटरफेस बिटवीन so किसके बी और बी के बीच में तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को बिटवीन बी टी एंड बी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है एल ए पी लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल यूज होता है सो एल ए पी डेट इज लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसमिशन सो दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करना है कि लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन देन दर्ड प्रोटोकॉल इज बिटवीन बी एस सी एंड एम एस सी जो बी एस सी और एम एस सी के बीच का प्रोटोकॉल है उसको हम बोलते हैं ए इंटरफेस इट इज़ कॉल्ड एज ए इंटरफेस ठीक है तो किसके बीच में है बी एस सी और एम एस सी के बीच में है इसका क्या क्या वर्किंग है इट हैंडल्स ऑल द कॉल्स एंड मोबिलिटी जितनी भी कॉल्स हो रही हैं और मोबिलिटी है उसको ये हैंडल करता है सो लेट मी राइट हेयर इट हैंडल्स ऑल कॉल्स एंड मोबिलिटी ओके सो मैंने तो देखो पूरा जो आर्किटेक्चर है और जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं उसको इसी डायग्राम के अंदर समझा दिया है बट फॉर यू इट विल बी बेटर कि आप इसको अलग अलग ही लिखना मतलब ऐसा नहीं कि एक ही डायग्राम के अंदर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो आप इसको अलग अलग लिखना ताकि ज़्यादा बेटर से अंडरस्टैंड हो सके बट आपके पास अगर ये डायग्राम होगा ना इफ़ यू हैव दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो आप इस डायग्राम को यूज़ करके बार देख के पूरा का पूरा जी को समझ सकते हो ईज़िली एंड एग्ज़ाम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली आपको इसमें सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ जी क्या है जी एसम? उसके बारे में देखा हमने सो नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड बिफ़ोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू कि सिंपली कि जी एस एम के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या करते हैं सो so, देखो इसमें एक ओ एस एस भी होता है ठीक है सो ओ एस एस भी है बी टी एस है बी एस सी है एम एस सी है एंड देन वी हैव दिस ओ एस एस तो इनका एक बात बेसिक देख लेते हैं कि ये करते क्या हैं क्या इनकी फंक्शनैलिटी है क्या इनका यूसेज है ओके सो लेट स्टार्ट विद बी टी एस बीटीएस so, है क्या बीटीएस इज योर बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम ओके सो बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम होता है बी टी एस इसके फंक्शन क्या क्या हैं? लेट मी राइट दी फंक्शन अवे, सीधा फंक्शन लिख देता हूं ताकि आपको ईजी रहेगा सो एनकोडिंग देन इंक्रिप्शन मल्टीप्लेक्सिंग मॉड्यूलेटिंग सो so इनकोडिंग करना सिग्नल को इंक्रिप्ट करना जितना भी मल्टीप्लेक्सिंग है वो सब भी यहीं पे होता है सिग्नल का मॉड्यूलेशन भी यहीं पे ही है ओके सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ बीटीएस देन ये तो तब है जब आपका ट्रांसमिट हो रहा है अब जब भाई वापस आएगा जब वापस आएगा तब आप इसको इनकोडिंग अगर किए तो डिकोडिंग भी तो करोगे सो so डिकोडिंग एंड डिक्रिप्शन तो जितना भी है इसका अपोजिट होता है बेसिकली ओके सो डिकोडिंग एंड डिक्रिप्शन सो बेसिकली ये फीचर्स हैं ये फंक्शन हैं किसके बी टी एस के देन वी हैव दिस बी एस सी अब बेस्ट स्टेशन कंट्रोलर जो होता है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं कंट्रोल करना फ्रिक्वेंसी हॉपिंग को सो फ्रिक्वेंसी हॉपिंग कंट्रोल फ्रिक्वेंसी हॉपिंग कंट्रोल देन यू हैव दिस ट्रैफिक मैनेजमेंट जितना भी बी टी एस के ऊपर ट्रैफिक है ज़्यादा है ट्रैफिक तो ट्रैफिक को आ, डाइवर्ट करना किसी दूसरे बी टी एस के ऊपर भेजना तो वो सबको मैनेज करने का काम कौन करता है बी एस सी करता है सो ट्रैफिक मैनेजमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है सो इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस पावर को मैनेज करता है जितना भी पावर बी टी एस को चाहिए होता है क्योंकि बी टी एस सी बेसिकली आपका एंटेन है जिसमें पावर ज्यादा यूज होती है सो so उसको मैनेज करना सो पावर मैनेजमेंट अभी आ गया एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ गया हम डिस्कस भी करेंगे दैट इज हैंड ऑफ मैनेजमेंट कि जो हैंड ऑफ होता है वो भी मैनेज कौन करता है बी एस सी सो हैंड ऑफ मैनेजमेंट सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके देन वी हैव दिस एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर सो मोबाइल स्विचिंग सेंटर देखो बेसिकली किसका पार्ट होता है आपका एन का सो मोबाइल स्विचिंग सेंटर इज अ पार्ट ऑफ एन जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम ओके सो दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम और इसी के पार्ट होते हैं आपके एम एस सी एच एल आर वी एल आर ए यू सी और बाकी सब भी सो so, हम रजिस्टर्स uh, को तो स्टडी कर चुके हैं सो इन दिस एन एस एस वी हैव दिस एम एस सी विच इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर सो मोबाइल स्विचिंग सेंटर की कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं कौन कौन से फंक्शन्स हैं सो so, जितने भी फंक्शनैलिटी हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन अब मोबाइल uh, का रजिस्ट्रेशन करना है उस यूज़र की ऑथेंटिकेशन करनी है अब देखो जितने भी रजिस्टर्स की फंक्शनैलिटी हमने पढ़ी ना वो सब आपके एक तरह से मोबाइल स्विचिंग सेंटर ही उन सब को मैनेज कर रहे हैं ठीक है सो लोकेशन so, की अपडेट करना लोकेशन की अपडेट किससे आ गई भाई एच एल आर वी एल आर के अंदर इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना देन हैंड कॉल्स जो चल रही हैं आपकी उसको एक रूट से दूसरे रूट के ऊपर ट्रांसमिट करना सो कॉल रूटिंग आ गई कॉल को सेटअप करना कॉल का सुपरविजन सो बेसिकली जितना भी कॉलिंग से रिलेटेड काम है ना वॉइस कॉलिंग हो गई आपका कुछ भी कॉल हो गया सो so वो सब हैंडल करता है एम एस सी इज़ योर मोबाइल स्विचिंग सेंटर ओके नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज़ ओ अब ओ क्या है इट इज़ एन ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम ओके सो ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सस्टम है करता है क्या पूरा जो आपका जी एस सिस्टम है उसको कंट्रोल करना और उसको मॉनिटर करना देन कंट्रोल्स द ट्रैफिक लोड ऑफ बी एस ट्रैफिक लोड जो होता है बी के ऊपर उसको भी मोनिटर करता है एंड द पर्पज ऑफ ओ एस एस इज टू ऑफर द कस्टमर कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट फॉर ऑल जी एस एम रिलेटेड मेंटेनेंस सर्विसेज सो जितने भी मेंटेनेंस की सर्विसेज वगैरह हो गई आपकी उन सबको जो हैंडल करता है वो करता है ओ एस एस दैट इज़ ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ जी एस एम सो मैंने इस एक वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट जितना भी जी एस एम के बारे में मैं बता सकता था मैंने बताने की कोशिश करी है इसमें एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो मुझे पूरा यकीन है कि आपका अगर जी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईज़िली अटेम्प्ट uh, कर पाओ सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सो करना है क्या आपको अब यू हैव टू लाइक वीडियो को लाइक like कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ओके okay, सो so, ये तीन चीज़ें आपको करनी है लाइक like करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है थैंक यू वेरी मच Thank you.